हेलो गाइस, रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर आपका मोस्ट वेलकम। क्या करना है भाई, देखो चार वीडियो पढ़ चुके हैं इससे पहले, चारों 5-5 मिनट के होंगे। 20 मिनट हमको देना अपनी, हम आपको अच्छे नंबर ला के देंगे। अब देखना भाई, जो नेक्स्ट वीडियो यार पेपर के अंदर हर साल आ रहा है यार, तुम जो है ना पढ़ के नहीं जा रहे थे लेकिन पेपर के अंदर हर साल आ रहा है। आपकी बार जरूर पढ़ के जाना यार, पेपर के अंदर आएगा। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों के अंदर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे भाई। उसके लिए ब्लड तो पढ़ा चुका हूँ मैं, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज होती है, कौन सी सेल का क्या काम है। अब जो है आज का टॉपिक है वो है हार्ट। हार्ट ही तो होता है जो पंप करता है ब्लड को बॉडी के अंदर, तो हार्ट एक पंप है बहुत अच्छा वाला। तो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे तो तुम में से ऐसे बच्चे हैं जिनको हार्ट बनाने नहीं आता, आज बनाना सिखा दूंगा। देखो भाई भाई जरा एक बार जल्दी से देखो स्पीड में, 1 मिनट के अंदर बन जाता है डायग्राम। तो ये एक ट्राइंगल ऐसा बनाओ, एक ट्राइंगल इधर से ऐसा कुछ बनाओ, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या करना है आपको, इधर से एक गोला बनाना है, ऐसे फिक्स कर देना इसके अंदर। इधर से भी ऐसे करना है कुछ, इधर से पहले ये जो नस एंटर कर रही है इसे वापस निकालो, ठीक है। इधर से भी ऐसी करो, एक नस की एंट्री कराओ इधर से और वापस निकालो, इतना कर लो। उसके बाद में देखना एक बार भाई, चेम्बर्स बनाओ हार्ट के अंदर, ये चेम्बर्स बन गए। इधर से मिटा के थोड़ा सा ऐसे कर दियो, काम अच्छा हो जाएगा। ना भी करोगे तो भी आपका डायग्राम को कोई बेकार नहीं करने वाला, ठीक है। ऐसे बन गया यार बस, ठीक है। अब देखो भाई सुनना बात को, देखो हार्ट के ऊपर ये नंबर वन और नंबर टू जो ऊपर वाले हिस्से हैं, हार्ट के जो ऊपर वाले हिस्से हैं उनका नाम एट्रियम होता है। हार्ट के जो ऊपर वाले हिस्से उनका नाम एट्रियम होता है। अब समझना, देखो मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा लेफ्ट पोर्शन है, तो लेफ्ट पोर्शन में अगर ऊपर वाला हिस्सा है तो लेफ्ट एट्रियम, और अगर राइट पोर्शन में राइट वाला हिस्सा है तो राइट एट्रियम। ऐसे भैया जो हार्ट के नीचे वाले जो हिस्सा होता है उनका नाम वेंट्रिकल होता है, ठीक है भाई। अगर लेफ्ट में तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट में तो राइट वेंट्रिकल, नीचे वाले हिस्सों का नाम वेंट्रिकल। ये कौन सा हो गया लेफ्ट और ये कौन सा हो गया राइट वेंट्रिकल। तो 1 2 3 4 का नाम आपको समझ आया। इसके अलावा चार ब्लड वेसल्स है जिनका आपको नाम स्पेशली ध्यान रखना ही रखना है। देखो भाई एक बार, ये जो आ रही है ये लंग्स से आती है, ये जो नसें ये लंग्स से आती है, इसलिए इसका नाम होता है पल्मोनरी पल्मोनरी वीन, ठीक है भाई। अब ये वाली जो नसें, ये वाली जो नसें भाई ये लंग्स को जाती है, और जो भी चीज लंग्स से अटैच होती है उसका नाम होता है पल्मोनरी। तो ये हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, पुलमोनरी आर्टरी, ठीक है भाई। अब उसके बाद देखो भाई, जो वीन है उसके सामने वीन होती है, और भाई जो आर्टरी है उसके सामने आर्टरी होती है। एक बार मैं नाम लिखवाऊंगा, एक बार ध्यान से देखो पहले से। अब देखो भाई होता क्या है, मैंने बना दिया पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो होगा क्या, ये लंग्स होता है आपकी बॉडी के अंदर, बना के दिखाया था मैंने पिछले वाली वीडियो के अंदर, देख लेना एक बार। उसके बाद लंग्स में से एक ब्लड वेसल आती है, कहाँ पे जा रही है, ये हार्ट बना दिया मैंने भाई, जो उन साफ बनाता हूँ ना आजकल व्हाट्सएप पे इंस्टा पे चल रहा है, जो ये चल रहा है ऐसा और चल रहा है आजकल, ये टूटा फूटा ये नहीं बना रहा मैं, देख लेना एक बार भाई। लंग्स से एक वीन आई जिसका नाम था पल्मोनरी वीन, और भाई ये ब्लड को लेकर के आई इस वाले हिस्से में, इसका नाम होता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है भाई। यहाँ पे वाल्व होती है, वाल्व वाल्व V1 मान ली मैंने, एक वाल्व यहाँ पे होती है वाल्व V2, होती है ना वाल्व खराब हो जाती है किसी किसी के दिल की, वो ये है। उसके बाद देखो भाई क्या होगा, अब यहां से जो है एक ये वाली ब्लड वेसल निकलती है, इसका नाम होता है भाई आओर्टा। ये जो आओर्टा है ये क्या करती है भाई, पूरे ब्लड में बॉडी पार्ट्स में लंग्स को छोड़ के बाकी सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या ले जाती है, ब्लड ले आती है। ले जाने के बाद फिर ये बॉडी पार्ट्स में से एक वीन आएगी, एक नस आएगी, और ये नस कहाँ जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम है ना, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में जाएगी। जाने के बाद यहाँ से ब्लड नीचे आएगा, और ये नीचे से ब्लड एक जो आपकी ब्लड वेसल होगी वो ऊपर ले जाएगी लंग्स में। लंग्स में कोई चीज जाती है तो मैंने आपको पहले बताया ये क्या हो जाएगी, पल्मोनरी वीन है तो ये पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो ये वाली कौन सी बची, ये बची वेना कावा। वेना कावा जो आपकी लार्जेस्ट वीन होती है बॉडी के अंदर, लार्जेस्ट वीन, और जो भाई आउटर ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है ब्लड के बॉडी के अंदर, लार्जेस्ट आर्टरी। जिसको वीन आर्टरी कैपिलरी के बीच में डिफरेंस ना पता हो वो हमें कमेंट करके बताए भाई, हम उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना देंगे। फिलहाल तो मैं रैपिड रिवीजन सीरीज करा रहा हूँ तो सारी चीजें इसके अंदर हो नहीं पाएंगी, इसलिए मैं कम टाइम में ज्यादा चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये वैसे भी मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है, बहुत ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं इससे आपके। देखो भाई लंग्स के अंदर ऑक्सीजन भर गया था, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बताया था भाई, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन भरा पड़ा था। जब यहां से कोई ब्लड जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन में चिपक करके जाएगा वो, तो ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तुम में से बहुत सारे को पता ही नहीं था ये बात, तो ये कैसा ब्लड जाएगा यहां से,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पेपर के अंदर आप लाइन कैसे लिख कर आओगे? देखो ये पहली लाइन, 6 लाइंस के अंदर आप सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म कर सकते हो। देखो पहली लाइन, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। भाई यहां से कहां ले जाओगे? लेफ्ट एट्रियम में ले जाओगे हार्ट के, बाय पल्मोनरी वीन। पहली लाइन। दूसरी लाइन, दिस ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय V1 वाल्व, ठीक है, टू दी, ये कौन सा हिस्सा है? नीचे वाला, नीचे वाला होता है लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो दिस ब्लड इज ट्रांसपोर्ट टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल बाय वाल्व V1। उसके बाद आप क्या बोलोगे? दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल बॉडी पार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू दी, ये तो हो गया पूरे बॉडी पार्ट्स, बाय आउटा, ठीक है। आउटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। उसके बाद में क्या बोलोगे आप? दिस बॉडी, यहां से बॉडी पार्ट से कहां जाएगा? भाई ये देखो ना, ये लाइन लगाती जानी है। आप यहां से बोलोगे बॉडी पार्ट से कहां चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, बाय नस का नाम लिख देना। उसके बाद आप बोलोगे यहां से वाल्व V2 के द्वारा नीचे और यहां से फाइनली लंग्स में चला जाएगा। अब देखो पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि भैया तुम बता तो रहे हो कि ब्लड घूम रहा है, कितनी बार ब्लड घूम रहा है दिल के अंदर, कितनी बार घूम रहा है? तो आप बोलोगे 2 बार। आपसे पूछा भी जाता है कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, क्या होता है भाई, आपसे पूछेगा भी है, आपको पता ही नहीं होगा। तो देखो सर्कुलेशन नंबर 1, लंग्स में से हार्ट के अंदर ब्लड ब्लड चला गया, फिर फाइनली घूम के लंग्स में आ गया। देख लो, लंग्स में से गया था हार्ट में, गया फिर लंग्स में आ गया। तो लंग्स के अंदर अगर ब्लड चक्कर लगा रहा है तो उसका नाम होता है पुलमोनरी सर्कुलेशन, पुलमोनरी सर्कुलेशन। ये हो गया सर्कुलेशन नंबर 1। दूसरा देखो एक बार, दूसरा देखो भाई, हार्ट से बॉडी पार्ट्स में ब्लड गया, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में यहां पे गया, फिर यहां से फिर घूम घाम के कहां गया? हार्ट के अंदर आ गया। सर्कुलेशन नंबर 2, सर्कुलेशन नंबर 2 नाम क्या है? नाम है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और यही तो खास बात होती है 4 चैम्बर वाले हार्ट की, आपका हार्ट के अंदर 4 चैम्बर हैं, यही तो खास बात होती है उसके, ठीक है। एक बार लास्ट मिनट रिवीजन करते चले जाओ, देखो हो गया टॉपिक वैसा आपका। देखो भाई हार्ट के अंदर लंग्स में से कौन लाएगा? पुलमोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो बॉडी ऑक्सीजन का यूज करके क्या छोड़ेगी? CO2। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे हार्ट में घूम घाम के फिर फाइनली कहाँ चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। ये आपका सर्कुलेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में।